मजा ही आ गया बिल्कुल। पानी मेरे जो पूरे बेकरी के अंदर जो मेरा पानी यूज होता है, हाँ जी, वो टोटल पानी मैं अल्कलाइन वाटर यूज करता हूँ। तो हे गाइस, फूड ईट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो भाई आज आ गए शाहदरा में बलबीर नगर। तो भाई साहब शाहदरा में कहाँ पे हैं हम? आज आए हम एनर्जी पॉइंट पे। तो एनर्जी पॉइंट भाई देखते ही ऐसी एनर्जी वाला फील हुआ मैं कि भाई एनर्जी पॉइंट। तो भाई एनर्जी पॉइंट में क्या था हमने देखा, क्या है वैरायटी ऐसी एनर्जी जो एनर्जी पॉइंट इन्होंने नाम रखा है। तो भाई साहब इनके पास इतनी वैरायटी है ना फास्ट फूड के अंदर, मतलब वीट वाला, बिल्कुल वीट वाला, पता नहीं कितनी वैरायटी थी इनके अंदर फास्ट फूड बोल पेटी हैं, बर्गर हैं, पता नहीं क्या क्या है, बिल्कुल वीट वाले, आटे वाले, ऐसे नहीं मैदा वाले बिल्कुल हैं। तो इतनी सारी वैरायटी देखी हमने, पेटीज भी देखी काफ़ी वैरायटियों में, और जितने भी बर्गर वगैरह जो भी बनाते हैं ये खुद ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वीट में बिल्कुल। तो चलते हैं और यहाँ के ओनर से मिलवाते हैं आपको, यहाँ की मेकिंग भी दिखाते हैं और एड्रेस भी जो यहाँ का प्रॉपर अंकल से पूछवाते हैं और बाकी चीज़ें अंकल से पूछवाते हैं। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको वैरायटी यहाँ पर। तो इतनी सारी वैरायटी है यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये लॉन्ग बर्गर है, इसमें हमारा ये क्रीम बर्गर आ गया, हमारा ये चीज़ बर्गर है, ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा फ्राइज है आपकी, ये पनीर कुलचा और आ गया ये हेल्दी सब भी है, मतलब जो जिम की डाइट वाले बने हेल्दी सैलेड है, हेल्दी सैलेड आ गया आपका, चीज़ वाइट आ गया, और ये मसाला वाइट आ गया हमारा, ये सैंडविच आ गया है, क्लब सैंडविच, ये क्लब सैंडविच भी है ख़त्म हो रहे हैं, इनके साथ एक सिंगल रह रखा है, और एक गिल सैंडविच आ गया, ये काठी रोल आ गया, ये स्प्रिंग रोल आ गया, और ढोकले भी हमारे काफ़ी वैरायटी है इनके पास, और ये मेकिंग चलती रहती है इनकी। तो अंकल से बात करते हैं और यहाँ के बताते हैं यहाँ की लोकेशन क्या है और कब से इनकी दुकान है। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये आपका आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम सुनील गुप्ता है। अच्छा, ये आपकी दुकान जो है एनर्जी पॉइंट, ये नाम क्या सोच समझ के रखा है आपने? देखो जिस तरह से गाड़ी को फ्यूल की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी को भी जो है फ्यूल की आवश्यकता होती है। अच्छा जी। दैट्स कॉल्ड एनर्जी। अच्छा अच्छा। तो उसको जो है हम एनर्जी को फिल करते हैं। अच्छा। और ये दुकान मेरी सन 2000 से जो है एस्टेब्लिश है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो ये आप ही के एस्टेब्लिश ही है, मतलब आपने ही बनाया? हाँ जी, मेरे द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या क्या वैरायटी बेचते हैं वैसे? भाई साहब स्नैक्स के अंदर 22 तरह की वैरायटी बनाता हूँ मैं। अच्छा। ये लगी हुई है मेरी प्राइस लिस्ट। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब 2000 में आपने ये स्टार्ट करी थी यहाँ पर ये? जी। अच्छा, अच्छा। 2000 में 4-5 प्रोडक्ट से शुरू करी थी। अच्छा। उसके बाद जैसे जैसे जो है वो लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। अच्छा अच्छा। टाइमिंग क्या रहती है अंकल जी यहाँ की? सुबेरे 10 से रात के 10 की टाइमिंग है मेरी शॉप की। जैसे कोई नियर बाय आना चाहता हो आपके तो लोकेशन क्या पड़ती है? ये है जी अपना शिवाजी पार्क शाहदरा। अच्छा, एड्रेस मेरा ये कार्ड है, इनका एड्रेस है गली नंबर 14 बलबीर नगर शाहदरा। ये आप जिसको भी जो भी भाई आना चाहता है ना स्क्रीनशॉट लेके इनकी कार्ड की फोटो देख सके एड्रेस के यहाँ पे, और वैरायटी काफी बढ़िया है इनका, बटे वगैरह केक वगैरह भी बनाते हैं। हाँ जी, केक पेस्ट्री बनाता हूँ मैं, केक पेस्ट्री में मेरी स्पेशलिटी है, टोटल एगलेस काम है मेरा, अंडे का कोई प्रयोग नहीं करता। अच्छा। और सभी चीजें इवन की स्नैक्स और केक पेस्ट्री जो भी चीज मेरी शॉप पे है मेरी अपनी बनाई हुई है, मेरी अपनी इन्वेंट करी हुई है और मेरी अपनी प्रिपरेशन की हुई है। अच्छा अच्छा। मैंने ड्रिंक देखी है आपके पीछे, ड्रिंक लगी हुई है ये जी, दिखा दो ड्रिंक, दिखा दो हमारे व्यूअर्स को। हाँ। देखिए मेरी शॉप पे अधिकतर बेकरियों में आपने देखा होगा कि लेज, नमकीन, हल्दीराम, बिस्किट, चॉकलेट सब कुछ होता है, बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, केवल मेरा अपना बनाया स्नैक्स और कंपनी का बेवरेज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ब्रेवरेज जो है ये ड्रिंक देख रहा हूँ मैं, ये सामने ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं? ये तो सब कंपनी के प्रोडक्ट्स। अच्छा, हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये तो पैकिंग वाले सब कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, तो दिखाते हैं थोड़ी सी मेकिंग। और यहीं पे मेरा लाइव किचन है, यहीं पे सब कुछ बनता है। अच्छा अच्छा। कल ये क्या बता रहे थे आप पानी के लिए, बताया बताएंगे दोबारा मेरे को? पानी मेरे जो पूरे बेकरी के अंदर जो मेरा पानी यूज होता है, हाँ जी, वो टोटल पानी मैं अल्कलाइन वाटर यूज करता हूँ। हाँ, कैंगन वाटर। और नहीं नहीं, ये तो अपने अपने मन की बात है जी, मुझे अपने कस्टमर्स को जो यदि अच्छा खिलाना है, अतिथि देवो भव, हमारे पुराने संस्कारों में मैं उसी संस्कारों से पला बढ़ा हूँ।
जैसे कि देख सकते हैं आप कि कैंसर से जूझ रहे पेशेंट राइट एल्कलाइन पानी के चक्कर मैं भी जो है वो अपने कोविड के बाद से जो है जागरूक हूँ। मैंने अप्रैल में इसी चक्कर में कोविड ओपन होते ही मैंने ये मशीन परचेज की, जापान से मशीन मंगवाई मैंने ये। हाँ, और उससे मैं उसी के सारे पानी यूज करता हूँ। 9.5 पानी ये मैं ड्रिंकिंग के लिए यूज करता हूँ। 2.5 ये मेरा जो है वो सैनिटाइजर पानी है जिससे मेरी टेबल टॉप और सारे डिश वगैरह जो है साफ होते हैं। 11.5 मैं अपनी वेजिटेबल्स वाला क्लीन करने के लिए यूज करता हूँ। सारे वेजिटेबल्स इसमें सफाई होती है, हाँ, इस पानी से क्लीन होते हैं जिससे सारे बैक्टीरिया जर्म्स केमिकल सब उसमें से निकल जाते हैं। एंड लास्ट वन 5.5 ये ब्यूटी वाटर है। हाँ, ब्यूटी वाटर हम अपने बच्चों के लिए पर्सनली उसमें यूज करते हैं कि भी हाथ वगैरह जो है वो गर्दन फेस सब ग्लो करता रहे। उसमें दो तीन बार स्प्रे कर लो। और वैसे ये जो है वो कॉलिन दी बेस्ट है। ये कॉलिन का काम भी करता है, ग्लास वगैरह चमकाने में सबसे अच्छा ये यूज होता है। ये देखिए, इसको हम इको बैग बोलते हैं। अच्छा, इको बैग। हाँ, इको बैग। ये नॉट ए प्लास्टिक। अच्छा, ये शकरगंदी और स्वीट कॉर्न से बना हुआ है। अच्छा, कॉर्न फ्लोर से बना हुआ है। अच्छा, और 3 महीने के अंदर इसकी जो नमी है वो सूखते ही ये पाउडर बनके अपने आप उड़ जाता है। 3 महीने की एक्सपायरी है, मतलब इसमें 3 महीने की एक्सपायरी है। 3 महीने में आप एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम इसको इको बैग बोलते हैं। अच्छा, और कस्टमर को यही प्रोवाइड कराते हैं। पूरी दिल्ली में नहीं मिलने वाली ये चीजें जो अंकल जी यहाँ पे कह रहे हैं। हाइजीन, मैं कह रहा हूँ टॉप लेवल का हाइजीन है यहाँ पर, क्योंकि हाइजीन करते हैं आपको पता है कि पानी वगैरह साफ होता है, पर इनका पानी भी अलग है। और मतलब ये स्पेशल मतलब कैंसर पेशेंट के लिए काफी बढ़िया रहता है एल्कलाइन वाटर जो रहता जी, है जी जी। और बाकी सबके लिए अच्छा है वैसे तो, पर ये कैंसर पेशेंट के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है एल्कलाइन वाटर, जो कि बॉडी को पूरा एल्कलाइन रखता है। तो बिल्कुल मस्ट है, यहाँ पे आके जरूर ट्राई करें, क्योंकि इतना हाइजीन टॉप लेवल का मैंने कहीं नहीं देखा। और ट्राई भी करना यहाँ की चीजें आके। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो भाई साहब, ये आगे टेस्टिंग की बारी, अब टेस्ट करके बताते हैं आपको। ये वीट का बना हुआ देख सकते हो, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और चीज़ी चीज़ी हो रहा है। मुझे लग रहा है मैकडोनल्ड्स का बर्गर लग रहा है। टेस्ट करके बताते हैं आपको। काफ़ी बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ सब वे का सब भी इतना बढ़िया लगता है मेरे को, जितना ये चीज़ ये है। और वेजेस भी सारी पूरी डली हुई है। मज़ा ही आ गया बिल्कुल। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वो सब वे का सब खाया था, तो मुझे काफ़ी मतलब मज़ा नहीं आया था। उनकी चीज़ काफ़ी समझ नहीं आती मुझे। अब इनकी चीज़ जो है ना काफ़ी बढ़िया है, और टेस्ट भी बिल्कुल लाजवाब है। अभी ये ट्राई करते हैं इनका काठी रोल। अभी काठी रोल ट्राई करते हैं। काठी रोल की फीलिंग में ये पनीर आ रखा है। मज़ा आ रहा है देखने में, रुका नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है खा रहा हूँ, पानी आ रहा है बिल्कुल। ऐसा फील तो कह रहा हूँ मैं, शाही पनीर के अंदर फील भी नहीं आता इतना इनका काठी कबाब में फील आ रहा है। मज़ा ही आ गया बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ऐसा स्वाद आपको शादरा में कहीं नहीं मिलने वाला। ईस्ट दिल्ली में कह रहा हूँ, मतलब आपको ईस्ट दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाला, शादरा में मिलने वाला सिर्फ एनर्जी पॉइंट में। तो जल्दी से यहाँ पे आके ट्राई कर ले। बहुत सारी आइटम है, पर मेरे को सब्वे और भाई साहब काठी कबाब बहुत ही बढ़िया लगा है इनका। अब करते हैं इसको फिनिश और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए करते हैं बाय। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, जाके सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर, ताकि हमारी नई नई वीडियो आपको मिल सके। तो अभी करते हैं, टाटा बाय।